बात करेंगे किबला आलम हर ख्वाजा नूर मोहम्मद बहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिले आलिया चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग और शेखुल मुशायख हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल चिश्तिया पुणे को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हर ख्वाजा नूर मोहम्मद बहारवी रहमतुल्लाह अलैह 14 रमजान मुबारक सन 1142 हिजरी बमुताबिक 1729 ईस्वी को बहावलपुर के मौजा चुटाला में पैदा हुए। आपके वालदैन ने आपका नाम बहल रखा, जिसको आपके शेख शाह फखरुद्दीन ने बदलकर नूर मोहम्मद रखा था। आपकी वालदा का नाम आकल बीबी था, जो कमाल जट की साहबजादी थी। आपके वालिद का नाम हंदाल था, जो कबीला खल से ताल्लुक रखते थे। अनवारुल आरफीन में है, कौम खल कौम पनवार की एक शाख थी। आपके अवाजात का पेशा ज़रात था। आपका सिलसिला नसब नुशेरवा से मिलता है। आपने इब्तदाई तरीम और हिफ्ज़ कुरान करीम, तफसीर, मंतक, फलसा और फिक्र की तलीम हासिल करने के बाद अजीम सूफी बुजुर्ग हर शाह फखरुद्दीन दहलवी से हदीस का इलम हासिल किया और आपके दसरे मुबारक पर बैत की। फिर मुर्शिद फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ज़ाहरी उलूम की तकमील के बाद बातनी तलीम के लिए पसंद फरमाते हुए इबादत और रियाजत और तज़किया नफ्स के लिए मुंतखब फरमाया। आप अपने मुर्शिद की हुक्म की तमील करते हुए मराकबे और मजाहदे में मसरूफ हो गए। हर शाह फखरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके जुहद व तक्वा को देखकर खिलाफत से नवाजा और महार शरीफ में दावत व तबलीग करने का हुक्म जारी किया। आपने सिलसिला तबलीग जारी फरमाया। हजारों फरदंदे इस्लाम आपके पास हाजिर होते और ज़ाहरी और बातनी फैज से मालामाल होते। हज़रत नूर मोहम्मद बहारवी रहमतुल्लाह अलैह तहजीब अखलाक और इत्तबाए शरीयत पर बहुत जोर देते थे। आपके तकवे का ये आलम था कि सारी जिंदगी बस सुन्नत नबी के पैकर रहे और अपने खुलफा और मुरीदैन के ज़ाहरो बदन पे यही इंकलाब पैदा किया। पंजाब में सिलसिला आलिया चिश्तिया के दाग बेल और इस्लाम की तरवीज व अशात में आपने अपना अहम किरदार अदा किया। ये थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक पेज चिश्तिया पॉइंट को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ के पाकिस्तान फलता फूलता रहे। अपने मेजबान दिशान रामिक और दीर्ज यादत अल्लाह ने की।